दिन से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने मांशु कुमार आया। तो आज दोस्त फुल एचडी में हाइड्रोकार्बन चैप्टर का केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करना है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त एल्कोहलिक KOH क्या होता है। देखिए दोस्त, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल में घुला देते हैं तो उसी को बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। और एल्कोहलिक KOH का काम है इलिमिनेशन रिएक्शन शो करना, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। यहां पर देखिए दोस्त, ये मेरा हेलोजन है, हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, अल्फा का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो जिस तरह दोस्त इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह बीटा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन तीन है और यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन तीन है, तो दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन का संख्या आपका सेम है। तो हम लोग एक बीटा हाइड्रोजन पर फोकस करेंगे, मान लीजिए हम दोस्त राइट वाला बीटा हाइड्रोजन पर फोकस कर रहे हैं। तो एल्कोहलिक के हुए रिएजेंट दोस्त का हमें वाटर निकालना, तो यहाँ पर एक ट्रिक है दोस्त, ट्रिक हमारा कुछ लेना है और कुछ देना है। तो अल्फा से Cl को लेंगे, तो अल्फा से ले लिए हम दोस्त Cl को, बीटा से लेंगे हाइड्रोजन को, तो बीटा से ले लिए हाइड्रोजन को, जहां पर हाइड्रोजन दोस्त एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, और एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पोटेशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह दोस्त बॉयज को गर्ल्स पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो पोटेशियम क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्फा से Cl निकालना, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा और बीटा के बीच हमको डबल बॉन्ड देना पड़ेगा। यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड बचा, यहाँ ले दिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH से Cl हट गया, यहाँ पर छुचे CH है, यहाँ पर छुचे CH लिख दिए, बीटा से हाइड्रोजन हटा दिए तो बच गया CH2, यहाँ पर लिख दिए दो CH2, और अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड देना, यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन दो सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर हो गया मेरा एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन। तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, डबल बॉन्ड के लिए लिख दिए इन, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका प्रोपेन। और यहाँ पर देखिए दोस्त, प्रिंसिपल चेन हो गया मेरा एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, ये जो Cl है वह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो वह बन गया आपका ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, तो दो नंबर पर क्लोरो है, यहाँ लगे लिखिए दोस्त टू क्लोरो। फिर तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया मेरा प्रो, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए दोस्त हम N। नंबर और अल्फाबेट है तो यहाँ पर हाइफन का साइन दे दिए, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया टू क्लोरो प्रोपेन, और टू क्लोरो प्रोपेन को कॉमन नेम में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं। रिएजेंट एल्कोहलिक के हुए था दोस्त, यहाँ पर लिख दिया एल्कोहलिक के हुए। देखिए दोस्त, मेन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे प्रोपीन बना है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर आपका डी प्रोपीन फुल एचडी क्या हो गया सही। अब देखिए दोस्त, इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जब टू क्लोरोप्रोपेन का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर और पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो होने वाला रिएक्शन दोस्त इलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसको लैंग्वेज में बोलेंगे दोस्त, व्हेन टू क्लोरोप्रोपेन इज रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH देन प्रोपीन इज फॉर्म्ड, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज इलिमिनेशन रिएक्शन।
तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया सकता।